अब आपके नए राजा हैं अमरेंद्र बाहुबली। मुझे ये हमेशा से करना था। हमारे बाहुबली आ चुके हैं। इज योर एंड वी प्लेइंग विद हर। हर नेम इज बाबू। क्या नाम है इसका? रूही। बेबी देखना अभी तो हुई थी ये। क्या कितनी प्यारी लग रही है। ग्वाला। अरे इसके देख के रिएक्शन होगा। देख देख तेरा छोटा बाबू। देख देख तेरा छोटा बाबू। देख क्यों बाबू देख रहा है। तेरा डूब को देख रही है। अच्छा आपने मेरे को अपनी घड़ी इसलिए दी है ताकि आप मेरी स्मार्ट वॉच पहन सको। हाँ 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 हाँ। बच्चे की आवाज एक बार और फिर रो 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 रो। देखो ड्यूक चुप कराने आ गया। हाँ ड्यूक बाबू रो रहा है। बाबू को चुप करो। ड्यूक बेबी रो रहा है। बेबी को चुप करो। बड़े भाई को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। हाँ हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ओरिया के नॉर्मल एडवेंचर्स। तो आज बहुत ही ज़्यादा क्योटिक दिन जा रहा है क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट उठी। एज यूजुअल मेरा स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ख़राब हो गया है एंड आई वॉज वर्किंग। मैं थोड़ा वैसे अपना दूसरा वाला काम कर रही थी जो ऑफ इंडियन मॉम्स टू पुट काला टिक्का बीच में। एंड आवर बेबी इज रेडी। ये थोड़ी देर में आएंगे। सब जा रहे हैं एंड आई विल बी अलोन एट होम। और मुझे कुछ कुकिंग करने का मन नहीं है तो लेट्स सी व्हाट आई विल ईट। सब गए गए सब आपको छोड़ के चले गए। दीदी और ड्यूक को अकेले रहेंगे। वील हैव फन बेबी। वील हैव आर ओन फन। कम चलो आपको ट्रीट खिलाते हैं। मैं और गुन्नू ड्यूक को वॉक कराने के लिए गए थे और हम हमें से आधे घंटे से घर में बुला रहे हैं। घर खुला हुआ है। हमने लिटरली गेट खोला हुआ है पर ये पार्क में बैठा और बाहर आ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्यों। ड्यूक चलना नहीं है घर पर। हम दोनों घर तक वापस घर से होकर वापस आ गए। चलो 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 अच्छा चलो चलो बॉल बॉल। पापा आ गए। पापा 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 गेट भी बंद है। हमने घर खोला छोड़ा हुआ है इसकी वजह से। ड्यूकू बेबी चलो घर चलते हैं। आ जाओ चलो घर। घर जाना है ना। घर पे रहते हम। यही बैठा है। पापा के नाम से नहीं उठा है। बेवकूफ। आ जाओ बहुत देर हो गया। बहुत देर हो गई। चलो छोड़ो। ड्यूकू ये नहीं होता कि मैं किसी के अच्छे के लिए मतलब कोई मुझे बोल रहा तो मैं कर लूँ। जितनी देर इसको बैठना था तसल्ली से बैठ के अपना मजे करके तब आए। अब वो मुन्नी इज लीविंग। तो हमें सुबह से मुन्नी मुन्नी करके बुला रहे हैं और उसे मुन्ना बुला रहे हैं। जैसे पुरानी मुन्नी। बाबा पापा देखो मुन्नी आ गई। पापा तो मुन्नी जा रही है। एंड हमने साथ बहुत ज़्यादा खेला। बाय मुन्नू। बाय 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 बाय। वो गुन्नू और बनी का बाय करने का तरीका है। आलू वाला सैंडविच है जो मैंने बनाया है विद सम चाय। और मैं आप लोग यकीन नहीं करोगे ऐसा हो गया है कि मैं मैनिफेस्ट में डूब चुकी हूँ। मतलब आई एम सो इन्वॉल्व इन मैनिफेस्ट। उसमें सारी चीज़ें हो रही है। कुछ भी हो रहा है। कॉलिंग्स आ रही हैं। मैं ऐसे बिल्कुल उसमें डूब गई हूँ कि मुझे एक भी एपिसोड मिस करने का मन नहीं करता है। एंड इट इज़ हेल्पिंग मी कीपिंग इन सेन। आई एंजॉय माई ब्रेकफेस्ट मैनिफेस्ट देखते देखते। और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर। वी आर हियर ट्राइंग दीस नूडल्स। ये अभी हमने ब्लिंकिट से मंगाया है। ये भी है। हाँ तो ये कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और ये कोरियन नूडल है। कोई तो फिर हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना है या इस पर हलाल लिखा है उन्नू पर है ये वेज। हाँ तो फिर आज हम ये खाएंगे क्योंकि आपका नहीं पता या नहीं आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। तो मैंने इस पर ही देखा फिर ही हो गया। तो अब हम इसको बनाते हैं अच्छे से खा के देखते हैं। दिख रहा है इस पर क्या वो गार्लिक वाला नहीं बना सकते इसको हम। जैसे वो नहीं होता अलग से पहले गार्लिक अलग चॉप करके रखते हैं चिली फ्लेक्स अलग से फिर मसाला डालते हैं फिर उसमें ऑयल गर्म करके डालते हैं। है इसमें ग्रीन डॉट। हाँ ये नहीं ना ग्रीन डॉट। तो यहाँ पे हमने अपने नूडल्स रख दिए हैं और इसके साथ ये कुछ दो पैकेट आए हैं। ये तो मुझे लगता है इसका मसाला है। ये सूप बेस है। ये मिक्स वेजिटेबल्स है। मैं ये खाती नहीं हूँ पर फिर भी हम दोनों बनाएंगे। वही मस्त नूडल्स लग रहा है। ये 100 रुपये का पड़ा है हमको।
बहुत महंगा है मैगी के हिसाब से। मैगी के ऐसे 100 रुपए में 8 पैकेट आते हैं, उससे भी ज्यादा। मैगी का बिजनेस इतना चला रहा है। ट्राई दिस। अरे यार पहाड़ों पे 10-10 रुपए की मैगी 70-70 रुपए में देते हैं। पहाड़ों में क्या, दिल्ली में उसमें कुछ भी डाल देते हैं। हाँ। महंगी कर देते हैं उसको। अरे मेरे कॉलेज में यार बहुत महंगी महंगी मैगी मिलती थी। इसमें मुझे ड्यूटी पहनी हुई स्मेल आ रही है, मुझे पेडिग्री की लग रही है। यही मुझे लग रहा है, मुझे पेडिग्री लग रहा है। सब्जी भी हो सकती है मुझे लग रहा है। इसमें पता है गुनू ने खा के देखा, वो जो पीस था अभी मीट था मम्मी, तो वो कोई मीट था और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मतलब मैं एग्स भी नहीं खाती, तो फिर ये था, कहती कोई मीट ही है ये जो है ना, ये गुनू ने खा के देखा, कहती ये मीट ही है। सोचो मैं खा ले, वेज पैकेट मंगाया था और ये मीट है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता अगर मैं ये खा लेती। अब तू खा के बता कैसा है। गुनू इसे टेस्ट कर रही है, अब मैं नहीं कर रही क्योंकि पहले मैंने वेज मंगाया था पर इसमें अभी मीट आ गया है, तो फिर मुझे लग रहा है कि मेरे को नहीं खाना चाहिए। कैसा है, इज इट स्पाइसी? थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा गुड्डू को स्पाइसी लगा है। और टेस्ट कैसा है, मतलब आगे से मंगा के कभी खाना प्रेफर करेगी तो मुझे पता चल गया इसका टेस्ट कैसा है। एक्चुअली हमारा टेस्ट पैलेट ही वो नहीं है ना, हमारा टेस्ट पैलेट है चाट वाला, पापड़ी चाट, जिसमें दो खट्टी मीठी सॉस है, दही है और पापड़ी है, दो उसमें दही बल्ला पड़ा है, एक मतलब सॉफ्ट क्रंची तीखा मीठा 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 कह रही हूँ। मैगी दीदी मैगी बना लो। जो तूने 100 रुपये का मंगाया है ना क्या करूँ यार, मैं तो कभी से ट्राई भी नहीं कर सकती, मुझे अपना पता है। मैं खाने में बहुत चूजी हूँ। नहीं बहुत, अरे आपको ऐसे लगता है हम आपको गंदी चीज खिलाएंगे मम्मी? मैं थोड़ी सी लूंगी। अरे मैं क्या लगते हो ना, पूरी खा लो, पूरी खा लो। कैसा स्मेल से, कैसा लग रहा है? क्या कर रहे हो? कैसा लगा? अच्छा, अगर 10 में से कोई रेट करने को बोले कितने पॉइंट दोगे? सही है। 10 में से कितने पॉइंट दोगे? 10 में से 10 दोगे? इसने 5 दिया है। अच्छा लग रहा है, खा लो पूरा, इस पे नहीं खा जाएगा। मक्का की रोटी खाई, साग रख दो रात को। अच्छा मम्मी ने मक्का की रोटी और साग खाया है तो मम्मी क्यों मैगी से हमारा कुछ अजीब ही बेहतरीन सा रिश्ता है जिसे कोई और नूडल्स आके नहीं मिटा सकते। तब तक ये स्टिकी ठंडे चिपकने वाले नूडल्स ना खाए हूँ। बेची साफ है तेरी, यूडा खा ले। खा भी गई, मज़ा ही आ जाता है।